तो दीपोत्सव का आज अंतिम दिन है और देश प्रदेश में रामा श्यामा का दौर है और ऐसे ही रामा श्यामा का दौर जो है ओम बिरला के यहाँ चल रहा है। जो भाई बहन है वो पहुंच रहे हैं, तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं क्योंकि आज दीपोत्सव का आखिरी दिन होता है, भाई दूज का दिन। बहनें जो हैं भाई को टीका करती हैं, लंबी उम्र की कामना करती हैं और दिवाली के दिन से ही रामा श्यामा का जो दौर है वो शुरू हो जाता है। दूसरे दिन से ही ये दौर शुरू हो जाता है गोवर्धन पूजा के दिन से। और ओम बिरला जिनसे कल से ही लोग मुखातिब हो रहे हैं, मिल रहे हैं, दीपावली की बधाइयाँ दे रहे हैं, ऐसे में ओम बिरला ने भी कहा कि जब अपनों के बीच पहुँचते हैं या उनके बीच रहते हैं तो अच्छा लगता है और जब बधाइयाँ शुभकामनाएँ देने के लिए लोग आते हैं या हम देते हैं तो अपनों का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, अपनत्व जो है वो महसूस होता है। क्योंकि ओम बिरला की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर सुपर एक्सक्लूसिव, क्योंकि लगातार रामा श्यामा का दौर जो है जारी है पूरे प्रदेश में, देश में रामा श्यामा का ये दौर। नेता कार्यकर्ता एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, दीपोत्सव की रामा श्यामा कर रहे हैं। दीपोत्सव 5 दिन का ये त्यौहार, गोवर्धन पूजा कल हुई और दीपावली के दूसरे दिन से ही ये दौर जो है वो शुरू हो जाता है। चाहे वो नेता हो, कार्यकर्ता हो, चाहे आम लोग हों, सभी एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देने पहुंचते हैं। और अगर ख़ास तौर पर मंत्री की बात करें या फिर नेताओं की बात करें तो वहाँ पर एक उत्साह ज़्यादा देखने को मिलता है। वहाँ चाहे वो कार्यकर्ता हों, चाहे आम लोग हों, वो दीपावली की शुभकामनाएं देने पहुँचते हैं। और ऐसी ही कुछ ये तस्वीरें हम आपको ओम बिरला की दिखा रहे हैं। ओम बिरला जो जिनके आवास पर जो आम लोग हैं वो पहुँच रहे हैं। और ये दूसरी तस्वीर आपको महेश जोशी की दिखा रहे हैं, उनके घर पर भी लोगों का मिलने का सिलसिला जारी है। रामा श्यामा का दौर यहाँ पर भी जारी है, वहाँ भी लोग मिलने लगातार पहुँच रहे हैं, दीपावली की शुभकामनाएं दे रहे हैं, दीपोत्सव की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो ये दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं ओम बिरला की और साथ ही साथ महेश जोशी की। महेश जोशी जो अपने घर पर हैं, आवास पर हैं, और क्योंकि महेश जोशी गोवर्धन पूजा हो या दीपावली का त्यौहार हो तब भी जितना हो सकता है वो मंदिरों में जितना दान कर सकते हैं, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी जब वो दान जितना पैकेट हो सकता है वो पहुंचाते हैं वहाँ पर। कोशिश उनकी यही रहती है कि सहायता वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की करें। और अब दीपावली के दूसरे दिन से ही उनके यहाँ लोगों का, कार्यकर्ताओं का, आम लोगों का पहुँचने का सिलसिला शुरू है और यहाँ उनको दीपावली की, दीपोत्सव की शुभकामनाएँ दे रहे हैं। वहीं ओम बिरला की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और ये वो तस्वीर, ये लाइव तस्वीरें हैं। इस दौरान आप ये व्यक्ति जो है ओम बिरला से मिलने पहुंचे हैं क्योंकि आम जन सुनवाई ओम बिरला करते रहते हैं। जब भी वो अपने गृह जिले कोटा में आते हैं तो वहाँ लोगों से, आम लोगों से मुखातिब होते रहते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं। और आज भी जब वो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तरह तरह की समस्याएँ भी लाते हैं लोग, दीपावली पर शुभकामनाएँ भी देते हैं और बहुत ही धीरज धैर्य के साथ ओम बिरला उन सब की बातें भी सुन रहे हैं, उनकी शुभकामनाएँ भी ले रहे हैं। किसी तरह की कोई समस्या आ रही है तो अधिकारियों को बताने के लिए भी वो तत्पर है कि कोई अगर समस्या आती है तो आपको, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। तो ये दो तस्वीरें हैं ओम बिरला की और साथ ही साथ महेश जोशी की, दोनों के ही रामा श्यामा का दौर लगातार जारी है।